नमस्कार, अविश्वास प्रस्ताव पर फाइनल राउंड। जी हां, अविश्वास प्रस्ताव पिछले कई दिनों से आपने सुना होगा, देश की राजनीति भी इसी के इर्द गिर्द अब घूम रही है। जी हां, आज फाइनल राउंड है और हम यानी कि न्यूज इंडिया आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे इस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। आपके साथ मैं दीपिका, मैं पूजा मोहन पांडे आप तमाम लोगों का स्वागत करती हूं। न्यूज इंडिया लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हमारी कोशिश है कि हर एक तौर तरीकों से आप समझ सकें कि इस अविश्वास प्रस्ताव का एक्चुअली मकसद क्या है, क्योंकि नंबर गेम के हिसाब से विपक्ष फेल है, लेकिन विपक्ष चाहता क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा है मणिपुर हिंसा, जिसमें मंत्रिपरिषद के प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री को आज जवाब देना है और आज है फाइनल राउंड। राहुल गांधी के बयान के बाद आज सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के बयान पर होंगी और इसके लिए हमारे साथ में, हमने बहुत मेहनत करी है, ग्राउंड पर हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, अभिषेक और प्रीति, उनके साथ में गेस्ट का लंबा पैनल है, सीधे उनका रुख करेंगे। तो बिल्कुल, आज आपको बता दें कि लगातार अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज फाइनल राउंड है, चूंकि सभी ने अपनी अपनी बातें तो रख ली, राहुल गांधी बोल लिए हैं। चलिए अब आपको जरा ये भी समझाएंगे कि राहुल गांधी ने, जिसका बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था कि राहुल गांधी इतने लंबे वक्त बाद सदन में बोलेंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा ग्राफिक के जरिए आप समझिए। देखिए, ग्राफिक के जरिए मैं आपको समझा रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं मणिपुर गया, पीएम नहीं गए थे, ये बात राहुल गांधी कहते नजर आए हैं। बिल्कुल, पीएम के लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है और ये बात उन्होंने कही है कि अपनी मां नहीं मानते हैं। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री को लगातार घेरते नजर आए, बीजेपी को लगातार घेरते नजर आए, उन्होंने कहा कि मणिपुर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहां पर दो हिस्सों का जब जिक्र हो रहा था तो कुकी और मैतई का जिक्र यहां पर राहुल गांधी कर रहे थे। मणिपुर के कैंपों में मैंने महिलाओं से बात की है और उस दौरान उन्होंने दो वाक्य भी शेयर किए जो उन्होंने लाइव देखे थे, वो बातें उन्होंने शेयर की है। मैंने महिलाओं से कहा कि मैं उनके साथ हूं। तो बिल्कुल तमाम बातें एक एक करके हालांकि रख रहे थे राहुल गांधी। देखिए, ये भी कहा कि महिलाओं ने मेरे सामने बेटे की हत्या हुई है, तमाम बातें कहते वह नजर आए हैं। हालांकि अमित शाह ने, आपको बता दें, इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। और चलिए हम रुक करते हैं, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुक करते हैं। अभिषेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अभिषेक ओवर टू यू। देखिए, तमाम गेस्ट भी उनके साथ में मौजूद हैं जो आपको तमाम पहलुओं के बारे में बताएंगे कि आज प्रधानमंत्री के अभिभाषण के दौरान आपको क्या कुछ वो तथ्य देखने को मिलेंगे। बिल्कुल पूजा, तो देखिए आज इंतजार है शाम के 4 बजने का, 2:20 होने जा रहे हैं, लगभग 1.5 घंटे के आसपास का वक्त बचा है और पूरे देश की निगाहें टिकी हैं कि प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए आज क्या बोलेंगे। हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथ सहयोगी प्रीति भी है, साथ ही हमारे साथ दो खास मेहमान भी है, रत्नेश जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, अश्विनी जी हमारे साथ हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका भी अश्विनी जी। प्रीति, आज इंतजार है 4 बजे का, क्योंकि जितने सवाल होने थे वो सारे सवाल हो चुके हैं, अब इंतजार है जवाब का। थैंक यू सो मच अभिषेक। और अभिषेक हमारे साथ इस पूरे बुलेटिन में होंगे और साथ ही जिस तरीके से अभिषेक ने आपको बताया पहले ही कि हमारे साथ इस पूरे खास बुलेटिन में दो बड़े मेहमान हमारे साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक होंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता होंगे, लेकिन इन सब में आप देखिए चलचलाती गर्मी है और इस गर्मी में न्यूज़ इंडिया 24/7 आप तक गर्मा गर्म खबर परोस रहा है, जो अभी संसद के अंदर गर्मा गर्म बहस हो रही है और इसी पर प्रधानमंत्री क्या कुछ कहेंगे। 4 बजे पूरे देश की निगाह टिकी है। देश की निगाह टिकी क्यों है ये आप सोच रहे होंगे, तो देश की निगाह इसीलिए प्रधानमंत्री के अभिभाषण पर टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री जब भाषण देंगे उन पर जिस तरीके से लगातार विपक्ष ने कहा कि मणिपुर का मुद्दा इतना बड़ा हो गया, साथ ही महंगाई का मुद्दा इतना बड़ा है, हालांकि कई मुद्दे थे जिनको विपक्ष ने गिनाया, विपक्षी अलायंस ने गिनाया, लेकिन राहुल गांधी जैसे ही कल सदन में आए उन्होंने सिर्फ मणिपुर का नाम लिया है। आपको याद होगा गौरव गोगोई, उन्होंने भी अपनी बात मणिपुर से रखी, मणिपुर से शुरुआत की, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री, क्योंकि मणिपुर पे कल गृहमंत्री अमित शाह बहुत कुछ कह चुके हैं, तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गृहमंत्री अमित शाह ने लिया और उन्होंने अपनी बात कही, एक एक करके तमाम बातों पर उन्होंने अपनी राय रखी है और साथ ही गृहमंत्री ने यह भी कहा कि मैं 9 साल की चर्चा भी करूंगा, वो इसीलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा आप देखिए जो अविश्वास प्रस्ताव है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के भाषण पर वो क्या कहेंगे सदन में,
क्या जवाब देंगे मणिपुर पर, क्या जवाब देंगे उन तमाम सवालों पर जो इस वक्त अलायंस उठा रहा है। तो सबसे पहले अभिषेक, प्रधानमंत्री के भाषण पर देश की निगाह टिकी है, ऐसे में क्या उम्मीदें हैं? प्रधानमंत्री कैसे शुरुआत करेंगे, क्या कह सकते हैं? देखिए, सवाल बहुत सारे आ चुके हैं, जवाब क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो ये तो पता किसी को होता नहीं है कि क्या बोलेंगे, लेकिन चुन चुन कर पलटवार करेंगे इतना तो तय है। सीधे हम गेस्ट से ही पूछ लेते हैं, रत्नेश जी हमारे साथ हैं। रत्नेश जी, 4 बजे का इंतजार आपको भी होगा। देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल मुझे इंतजार है कि हमारे देश के राजाधिराज महाराज सुल्तान मुअज्जम शहंशाह आली नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी सदन में पधारेंगे, बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पूरा विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के पहले उनसे कहता रहा कि प्रधानमंत्री जी आ जाइए, लेकिन वो नहीं आए। अब जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो भाई बोलेंगे, तो मैं एक चीज़ ये भी देखूंगा कि प्रधानमंत्री जी जितना बोलेंगे अभिषेक जी, उसमें वो कितना सच बोलेंगे, क्योंकि आज तक प्रधानमंत्री जी का झूठ बोलने का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। मतलब ये सर्टिफिकेट भी अब बांटने लगे? नहीं नहीं, सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ मैं, उसके उदाहरण आप कहेंगे तो बता दूंगा। क्यों, कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं एनसीसी का कैडेट रहा, कभी कहते हैं मैं चाय बेच रहा था, कभी कहते हैं मैं विद्यालय नहीं गया, कभी कहते हैं मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, हॉट पॉच करके रखा है पूरा, तो झूठी तो बोलते हैं। नहीं तो क्या एक बच्चा जो चाय बेचता है उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होगी? मैं आ रहा हूँ, चाय बेचने वाले से दिक्कत नहीं है, चाय बेचने वाले का नाम बेचने वाले से दिक्कत है। मैं ये भी देखूंगा कि प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो क्या वो मणिपुर पर जवाब देंगे, क्या वो महंगाई पर जवाब देंगे, क्या वो हरियाणा पर जवाब देंगे, तो क्या वो कहते हैं कि आप गांधी नाम बेचेंगे तो हम चाय बेचने वाले का नाम बेचेंगे, दिक्कत क्या है? क्या वो बेरोजगारी पर जवाब देंगे, क्या वो किसानों की आय पर जवाब देंगे, क्या वो पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम पर जवाब देंगे, और सबसे बड़ी बात, गरीबों की थाली से सब्जी गायब हो गई, सब्जी नहीं बनती गरीबों घर में, उस पर प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री तो भाई इम्पोर्ट, अरे सुनिए तो, प्रधानमंत्री जी इम्पोर्टेड सब्जी खाने वाले आदमी, अब किसान गरीब बेचारा टमाटर खा पा रहा है कि नहीं खा पा रहा है? जवाब ओवरलैप करेंगे फिर जवाब होगा। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपने कहा कि बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब प्रधानमंत्री को देने पड़ेंगे, आपने कहा कि थाली से सब्जी गायब हो गई है, आपने कहा कि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। अब कल आपने राहुल गांधी का भाषण सदन के अंदर तो जरूर सुना होगा, क्या राहुल गांधी ने थाली के अंदर सब्जी गायब हो गई ये सवाल पूछा था? क्या सदन में इस पर अपनी बात रखी थी? क्या बेरोजगारी का मुद्दा अगर वाकई में इतना बड़ा है और आप लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, जैसा कि अमित शाह ने कल कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो आप लोगों ने क्या राहुल गांधी ने कल अनएम्प्लॉयमेंट पे सदन के अंदर कुछ कहा था? नहीं, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री वो कह रही हैं कि आप लोग महिलाओं को लेकर के सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जवाब दीजिए आप। देखिए, पता नहीं उनको कैसे लगा कि राहुल गांधी जी ने उनको फ्लाइंग किस किया हो, लेकिन मुझे एक जवाब दे रहा हूँ। देखिए, हमारा इतिहास जवाब देने का रहा, हम कभी जनता और मीडिया के जवाब सवालों से भागे नहीं है। देखिए, मैं आपको एक घटना बताता हूँ, 2000 की घटना है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सदन में चर्चा हो रही थी, तो सोनिया गांधी जी ने विपक्ष में रहते हुए उनकी आलोचना की, तो सोनिया जी से वाजपेयी जी ने कहा कि भाई हम तो विपक्ष को गले लगाने के लिए तैयार हैं, तो सब इस पर मुस्कुरा के रह गए, उनको लगा कि वाजपेयी जी ने एक वो जो बातें थी मुस्कुराहट में और प्यार प्यार की बातें निपटा दी। इस विपक्ष, इस सरकार के पास मूलभूत मुद्दों पर बात करने का समय नहीं बचा। अरे भाई, फ्लाइंग किस किसको दे रहे थे, कहां दे रहे थे? राहुल गांधी ने सवाल पूछा है, देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि क्या मूलभूत मुद्दों पर राहुल गांधी ने सवाल पूछा है? 130 दिनों तक जनता ने इंतजार किया कि राहुल गांधी सदन में आकर बोलेंगे, आपने थाली में खाने की बात की है, थाली के खाने की बात क्या राहुल गांधी ने कल सदन में की है? मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी को 40 मिनट का तो समय दिया गया, उसमें से भी संसद टीवी ने 15 मिनट काट लिया। अब जो 25 मिनट में जो बातें वो कह पाए, उन्होंने कही मैं उनकी पार्टी का प्रतिनिधि हूँ, मैं कह रहा हूँ कि थाली से सब्जी गायब है, भी रिप्लाई कर दिया है कि थाली से सब्जी गायब है, थोड़ा ही ना। ठीक ठीक है, ठीक है रत्नेश जी, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक से पहले हम स्वागत करेंगे आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए इस समय आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां चिराग पासवान बोल रहे हैं। कितनी बार इस सदन में चर्चा की, कितनी बार किन लोगों ने उस चर्चा का जवाब दिया। कल तमाम ये बातें आदरणीय गृह मंत्री जी ने रखी। सर ये लोग गए थे मणिपुर, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए ये, पर सर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सर जो लोग मणिपुर गए थे यही लोग सर बिहार भी गए थे। बिहार में क्यों नहीं ये लोग गए दरभंगा, क्यों नहीं गए ये लोग अरवल, क्यों नहीं गए ये लोग मुजफ्फरपुर। अभी बछवाड़ा में सर एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म करके 10 साल की बच्ची, उसको तेजाब छिड़क कर उसको जलाकर मार दिया गया, उसके शरीर को अपने ही घर में 10 फीट गड्ढे में उसको दफना दिया गया। दलित महिला के साथ सर मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म करके उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काट कर अर्धनग्न व्यवस्था में सर खेत में फेंक दिया गया। क्यों नहीं गए ये लोग वहां पर, अपने गठबंधन को तो मजबूत करने गए पर क्यों नहीं ऐसे परिवारों से जाकर मिले। तो सर ये सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब निभाते हैं, सर हकीकत है देश के किसी भी कोने में किसी भी माँ बेटी के साथ ऐसी घटना हो रही है तो वो अक्षम्य है, वो निंदनीय है और उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसमें पूरे सदन को सर एकजुट होना होगा। कल गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से अपील की, सर पूरे सदन को इसमें एकजुट होना होगा। इसमें आप आइसोलेट करके नहीं दे सकते कि जहां आपकी सरकार है वहां की घटनाओं को आप छुपाएंगे और जहां दूसरों की सरकार है वहां की घटनाओं को आप उठाएंगे। आपको चर्चा करनी होगी बंगाल पर, चर्चा करनी होगी आपको बिहार पर, चर्चा करनी होगी आपको राजस्थान पर, चर्चा करनी होगी आपको कर्नाटका पर। सर ये देश एक है सर, आप इसको ऐसे टुकड़ों में बांटकर आप नहीं आइसोलेट करके आप अपने विषयों को उठा सकते। और यही कारण है सर कि देश की जनता का विश्वास हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर हर चुनाव के साथ बढ़ता जा रहा है और वो दिन दूर नहीं सर, 2024 चुनाव सामने है सर, इसी में देख लीजिएगा। 2014 से बड़ा जनादेश, 18 में यही सारी बातें हो रही थी, यही सारी बातें 18 में की गई थी, 19 में 2014 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिला और 24 में इससे बड़ा जनादेश हम लोग लेकर आएंगे। मैं बिहारी हूं सर, बिहार से कम मैं विश्वास दिलाता हूं 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीत कर आएगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। मैं जमुई का प्रतिनिधित्व करता हूं सर, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि हाजीपुर रही है सर, बिहार के हर एक जिले में घुमाऊं और वो मेरे विश्वास को बढ़ाता है। आज बिहार के युवा, देश भर के युवा सर देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखना चाहते हैं, 2047 में हमारे देश को एक विकसित देश के तौर पर देखना चाहते हैं। और इस सपने को कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए सर मैं अपनी पार्टी की तरफ से जहाँ बिल्कुल हराएंगे नीतीश जी को वैसे भी बिहार की जनता नकार चुकी है, 2020 के परिणाम दिखाते हैं, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए। तो जिनको बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, देश की जनता उनको कैसे अपनाएगी, ये बहुत बड़ा सपना दिन में ये देख रहे हैं। इसी के साथ सर मैं इस सदन में आए इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में अपनी बातों को रखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूर्ण समर्थन हमारी एनडीए की सरकार हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मति लॉकेट चटर्जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलने के लिए मौका दिया है। सबसे पहले मैं विपक्ष को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने पास विपक्ष का नेता बनने का भी संख्या नहीं है वो लोग 350। तो आप सुन रहे थे लोकसभा में चिराग पासवान को, जिन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि अगर आपके राज्य में कोई घटना हुई है तो उस पर चर्चा क्यों नहीं करते, सिर्फ बीजेपी शासित राज्य में अगर कोई घटना हुई है तो उसी पर चर्चा क्यों। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है, सहयोगी प्रीति भी हमारे साथ जुड़े हुई हैं। अश्विनी जी आपके पास आते हैं। अब देखिए इंतज़ार 4 बजे का है, सवाल सारे हो चुके हैं और जहां तक हमें उम्मीद है जवाब भी बहुत सारे आ चुके हैं, क्योंकि वित्त मंत्री ने जवाब दे दिया है, गृह मंत्री ने जवाब दे दिया है, इंतजार प्रधानमंत्री का है 4 बजे का। जी अभिषेक जी, पहले तो मैं आपको बता दूं ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये एक्चुअली में अविश्वास प्रस्ताव ना होकर के अंधविश्वास प्रस्ताव है। कांग्रेस को यह अंधविश्वास है
कि बीजेपी जो इतनी मेजोरिटी में है, जो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सपोर्ट दिया है और जो पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार चला रहे हैं, उनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए लाया गया है, ताकि जो इनके चश्मो चिराग राहुल गांधी हैं वो आकर के अपना रिपीट टेलीकास्ट चला सकें वहाँ पर, और इनके जो कांग्रेसी मित्र हैं वो आकर के वहाँ पर तालियां बजा सकें। आप अगर राहुल गांधी का भाषण सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि यही भाषण हमने कुछ टाइम पहले भी सुना था, कोई नई बात नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के जवाबों की, हो लेकिन उसमें जो सवाल था मणिपुर की स्थिति को लेकर के, वो सवाल तो जायज थे, बिल्कुल जायज सवाल है। और मैं उसी पे आ रहा हूँ कि मोदी जी जो हैं वो 145 करोड़ भारतवासियों के प्रधानमंत्री हैं, और वो जब आकर 4 बजे बोलेंगे तो 145 करोड़ भारतवासियों की समस्याओं पर बोलेंगे, चाहे वो समस्या मणिपुर की हो, चाहे वो समस्या राजस्थान की हो, चाहे वो समस्या छत्तीसगढ़ की हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, किसी भी राज्य की हो। कांग्रेस का प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस बड़ा अपना सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करता है। नहीं, नहीं, अश्विनी अगर ठीक है, आप अपनी बात कह रहे हैं, अश्विनी जी आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कल गृहमंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा है कि हम अपने मणिपुर के मुख्यमंत्री को हम इसीलिए नहीं हटा सकते या इसीलिए नहीं बदल सकते क्योंकि वो मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहा है। अब बताइए, ये दलील है कि कोई मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहा है जिस मुख्यमंत्री के रहते हुए उसके पूरे राज्य में इस तरह की घटनाएं हो रही हों, लगातार घटनाएं हो रही हों, इस पर क्या कहेंगे आप? आलोक वसजी अगर हमारे साथ, बीजेपी के नेता अगर हमारे साथ है, तो एक बार जरा ये सवाल मैं आलोक जी से लेना चाहूंगी। आलोक जी हैं क्या मेरे साथ? जी मैं सुन रहा हूं। जी आलोक जी, ये सवाल बेसिकली आप ही से है। अभी अश्विनी जी कह रहे थे कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, कांग्रेस ये चीजें कर रही हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, मणिपुर को लेकर के ही मेरा सवाल है। कल जिस तरीके से अमित शाह गृहमंत्री, उन्होंने कहा कि हम नहीं हटा सकते मणिपुर के मुख्यमंत्री को क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा है। अभी बताइए, वो कोऑपरेट कर रहे हैं इसलिए हटाएंगे नहीं, जबकि उस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई उस राज्य में, जिसकी दलील गौरव गोगोई ने दी है एक एक करके। ये कोऑपरेट से मैं समझ नहीं पाया कि उनका क्या अभिप्राय था, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि वो काफी एक्सपीरियंस लीडर है वहाँ के, और उनको वहाँ के हालात की पुलिस प्रशासन को अन्यों को बताने में उनके एक्सपीरियंस से काफी मदद मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है, और इसी काम को कर रहे हैं। आलोक जी, पिछले 4 महीने से तो मदद नहीं मिल पा रही है, 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, उनका अनुभव मददगार तो साबित नहीं हो रहा है, और सारी मदद ऐसा लग रहा है कि वो केंद्र को ही कर रहे हैं, राज्य को मदद दे नहीं पा रहे हैं मुख्यमंत्री के पद पर। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। देखिए, वहाँ का मसला आज का नहीं है, बहुत पुराना मसला है। 1993 में भी ये मसला बहुत जोर शोर से उठ गया था, और 650 रिकॉर्ड हत्याएं हुई, और कांग्रेस को 5 बरस लगा उस कवायद को ठीक करने। नहीं तो आलोक जी देखिए, आप कह रहे हैं मसला बहुत पुराना है, तब उतना वक्त लगा, हालांकि कल देखा जाए अमित शाह ने भी बोला था, गृहमंत्री अमित शाह ने बोला था कि उस वक्त भी वहाँ प्रधानमंत्री से मारा नहीं गए थे, नहीं गए थे तब 600 मणिपुर में मारे गए थे। जवाब दे लेने दीजिए, जरा कंप्लीट कर ले, वो कह क्या रहे हैं, उसके बाद फिर सवाल पूछेगा। ठीक है, जवाब दीजिए आप आलोक जी। ने ये कहा उसकी एवज में इतनी त्वरित कार्रवाई वहां हुई है, और वहां का जो लैंडस्केपिंग है उसका कुछ इस तरीके संरचना है कि पहाड़ में इधर उधर छिपने की बहुत गुंजाइश होती है, जहां आदमी आसानी से नहीं पहुंच पाता है। तो उन परिस्थितियों में भी 22 दिन तक गृह राज्य मंत्री वहां मौजूद रहे, और उसके बाद 3-4 दिन ये मंत्री खुद मौजूद रहे अमित शाह जी। इसके बाद लगातार वहां की स्थितियां धीरे धीरे खत्म की ओर निकल रही है। हाँ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश वहां बाकी है। मतलब देखिए आलोक जी, प्रीति जी शायद बात सामने आ गई है। आलोक जी, आपकी जानकारी, एक मिनट पूछा, एक मिनट आलोक जी, जरा ये भी बताइए, आप कह रहे हैं कि अभी स्थितियां, परिस्थितियां और भौगोलिक संरचना को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जरा ये भी समझाइए, आपसे ज्यादा बेहतर या हमसे ज्यादा बेहतर वो 2 सांसद भी तो बैठे हैं ना मणिपुर के, जिनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, बीजेपी के सांसद भी हैं, क्या वो बोले? उनको आपको लगता कि सदन में उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी? हाँ आलोक जी, ये मौका जब किसी को भी
प्रावधान और रूल के हिसाब से होगा, हर को बोलने का मौका दिया जाए। आज लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, सब लोग को टाइम अलॉट हो रहा है, बोल रहे हैं, भी बोलेंगे, बोलने से किस लिए मना किया है? अगर नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा? बोल कहां बोलने दिया, कहां बोलने दिया? जिनकी बात आरके जी की, जिनकी बात हो रही थी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक उनका रुख कर लेते हैं। आज सुबह सुबह ही कांग्रेस पार्टी ने, आज सुबह सुबह ही अश्विनी मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। एक बार आते हैं आपके पास आलोक जी, आप सवाल का जवाब दीजिएगा। आते हैं आपके पास, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, एक बार अश्विनी जी के पास भी आते हैं। अश्विनी मिश्रा जी, सुबह सुबह ही कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री शाम के 4 बजे बोलने वाले हैं, तो आज पोस्टर जारी किया है जिसमें प्रधानमंत्री तीर चलाते नजर आ रहे हैं, और उस तीर में 4-5 मुद्दे हैं, जिसमें कल प्रधानमंत्री ने नारा दिया था क्विट इंडिया, उसके बाद फिर आपका उन्होंने कहा है कि परिवारवाद भारत छोड़ो, ये तमाम ये 4-5 पॉइंटर्स हैं और प्रधानमंत्री तीर चला रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी प्रीति जी, मैं आपके सवाल पे आने से पहले अपनी पूरी बात कर लूँ, जिसमें कह रहा था कि आपने जो मणिपुर पे सवाल उठाया कि कॉर्पोरेट की वाली बात कर रहे थे आप, मैं टेक्निकल बात बताता हूँ। अमित शाह इसमें गृह मंत्री हैं, अगर अमित शाह मुख्यमंत्री को वहाँ हटा करके राष्ट्रपति शासन लगाते भी हैं तो सरकार अमित शाह चलाएंगे वहाँ पर। अमित शाह चला सरकार चलाते हैं तो उनको वहाँ फिर से कोई अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होगा जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सके, तो उनको अगर वो व्यक्ति सही लगते हैं लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए जहाँ उनके साथ उनकी सहमति हो, तो मुझे ही लगता है इसमें कोई गलत बात है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, जो कांग्रेस ने इन्होंने झूठ बोला है प्रीति जी, इन्होंने झूठ बोला, झूठ बोला। पहले आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 पढ़ना चाहिए था। राष्ट्रपति शासन में कब से गृह मंत्री शासन चलाने लगा? राष्ट्रपति शासन किसका होता है? सरकार का होता है, यूनियन का होता है, राष्ट्रपति शासन में होम मिनिस्ट्री चलाती है। क्या बात कर रहे हैं सर, लॉ का स्टूडेंट हूं सर, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूं। हां, राष्ट्रपति शासन यूनियन मिनिस्ट्री चलाती है, यूनियन गवर्नमेंट चलाती है, यूनियन गवर्नमेंट की सरकार होती है, गवर्न करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट इंडिया की सरकार कौन चलाता है? क्या बात कर रहे हैं सर, 356 हम भी पढ़ के आए, हमने पढ़ा है वही 356 में 90 बार जो इंदिरा गांधी ने सरकार बर्खास्त की है, 90 बार कांग्रेस ने 356 के तहत सरकारें बर्खास्त की हैं। अब मैं चुप हूं, एक मिनट, आप जो है मेरे सवाल का जवाब दे दें, आप अपने टर्न में बोले, 356 मुझे पता है, आप मुझे 356 पता, मुझे 356 ना सिखाइए। अरे मेरी बात कांग्रेस लोगों की यही समस्या है, जब बचना समझ में आए तो चिल्लाने लगो, दूसरों को जवाब बिना देने लगो। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है यूनियन की गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट रूल में कब से गृह मंत्री शासन चलाने लगा? मुख्यमंत्री बदल दीजिए। नहीं, अगर मुझे लगता है कि अमित शाह को उचित लगेगा तो बदलेंगे, बदलना चाहिए, मुझे लगता है बदलना चाहिए। अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूं, उचित लगेगा मुझे नहीं लगता कि मणिपुर में जो हो रहा है वो सही हो रहा है। उचित कब लगेगा? उचित कब लगेगा इसका फैसला? अमित शाह ले सकते हैं, सीएम इस्तीफा देने जा रहे हैं, अचानक से हाथ से किसी ने इस्तीफे के लेटर को फाड़ करके फेंक दिया। अभिषेक जी, यहाँ खड़े होकर ये हम फैसला नहीं ले सकते कि वहाँ पर काम उचित हो रहा नहीं हो रहा, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसको देख रही है। अश्विनी जी, वहाँ की स्थिति रही बात रही है जी, मैं ये कतई नहीं बोल रहा हूँ कि मणिपुर में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, न्याय संगत हो रहा है, पर मेरा ये मानना है कि हम जब 4 बजे की बात करते हैं तो सिर्फ मणिपुर ही एक मुद्दा नहीं होना चाहिए देश की महिला सुरक्षा के लिए। अभी जो राहुल गांधी ने जो किया है, फ्लाइंग किस का जो एक नया एपिसोड शुरू किया है, ये क्या महिला सम्मान की बात नहीं है? हमको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए इन चीजों करते हुए। राहुल गांधी ने मोदी को हक किया था, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, बट ये हमको जो विंकिंग करते हैं, आंख मारते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं, इन सब पे हमको ख्याल रखना चाहिए। समय बहुत कम है, थोड़ा जल्दी से पोस्टोवार पे कहिएगा, आज 4 बजे देने वाले भाषण प्रधानमंत्री, उसके पहले ही पोस्टोवार है, तुष्टिकरण, परिवारवाद, धर्म भ्रष्टाचार, धर्म वाला भ्रष्टाचार जो है भारत छोड़े, और साथ ही घमंडिया अलायंस, क्या कहेंगे जल्दी से? जी जो भी पोस्टर में पॉइंट लिखे हैं सारे सही हैं, परिवारवाद है, तुष्टिकरण की राजनीति हुई है। आप देखें जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में सारे तो चोर बैठे हुए हैं एक साथ सब पे, उनमें से 19 पार्टियां तो कन्विक्टेड हैं, जिन पे केस चल रहे हैं, कुछ में तो सजा हो चुकी है, वो उनकी पार्टी में बैठे हुए हैं। उसमें ऐसी पार्टियां में हैं, आम आदमी पार्टी जैसी जो कांग्रेस के खिलाफ खड़ी थी वो जाके कांग्रेस गोद में बैठ गई, तो उसमें अगर हम कह दें कि भ्रष्टाचारी मूवमेंट नहीं है तो गलत बात है। सरकार बना ले तो कोई दिक्कत नहीं जी, आप पीडीपी के साथ सरकार बना ले तो कोई दिक्कत नहीं। अरे देखो, राजनीति जो है दो तरीके की राजनीति, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आइडियोलॉजी होती है, एक कन्वीनियंस की बात होती है। आइडियोलॉजी को नहीं रख सकते आप, यहाँ पर दो आइडियोलॉजी डिफरेंट पार्टियां जो है एक साथ सरकार बनाती है, भाजपा के पूर्वजों ने आतंकवादियों का पोषण कहा, उसके साथ इन्होंने सरकार बना ली, कर रहे हैं
अटल बिहारी वाजपेयी ने पीडीपी को आतंकवादियों का पोषक कहा था। बोलिए बोलिए, आप देखिए पोस्टर बार किया गया है कांग्रेस की तरफ से। ये जो पॉइंट बना के आप लोगों ने पोस्टर निकाला, इधर से प्रधानमंत्री तीर चला रहे हैं, उसमें चार तीर हैं, तुष्टिकरण, परिवारवाद, धर्म का और साथ ही ये घमंडी अलायंस का, ये क्या सोच करके पोस्टर आप लोगों ने जारी किया, क्या कहना चाह रहे हैं? पहला, आप बहुत शांत, घमंडी अलायंस, घमंडिया कौन है? ये देश ने देखा कि सदन में किसको आना चाहिए था, अपने संवैधानिक और सामाजिक राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, और किसको जबरदस्ती बुलाया जा रहा है। दूसरी बात, परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। आप ये बता दीजिए, आकाश विजयवर्गीय कौन है, तुष्मूल झा कौन है, नीतू खंडूरी कौन है, प्रतीक सिंह कौन है, पंकजा मुंडे कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, वैभव गहलोत कौन है, पंकज सिंह कौन है, इन सबके बाप दादा चाचा नाना मामी मौसी बुआ फूफा साला साली कोई ना कोई एमपी एमएलए रहा है भारतीय जनता पार्टी से, और आज ये भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पदों पर है। अब आ जाते हैं एनडीए की बात पर, नहीं है ना, सुनिए, गांधी सरनेम लेकर के 10 जनपद से पार्टी तो नहीं चला रहे हैं। परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। अगर मैं आईएएस हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बेटा आईएएस की तैयारी नहीं कर सकता, बिना तैयारी की आईएएस नहीं बना सकते उसको। अब आ जाते हैं एनडीए पे। अंग्रेजी में मैं इसको कहता हूँ नेशनल डिफॉल्टर एसोसिएशन। एनडीए का मतलब नेशनल डिफॉल्टर एसोसिएशन, और हिंदी में राष्ट्रीय भगोड़ा गठबंधन जो है, इसकी आधी से ज्यादा पार्टियां परिवारवाद की पोषक हैं। रामचंद्र राजभर की पार्टी है सुभाषपा, उनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बेटा राष्ट्रीय महासचिव है, बेटा राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इनके साथ है निषाद पार्टी, संजय निषाद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और क्या कहते हैं उनका बेटा निषाद जो है वो संत कबीर नगर से सांसद है। इनके यहाँ का ये परिवार इनको नहीं देखता, मतलब कड़वा कड़वा थूक और मीठा मीठा गप, ई ना चल वो भैया, ई ना चल पाई, ठीक है, ई ना चल पाई, ई ना चला पाई वो, ई ना चला पाई वो, आप समझ चला गया मोदी, सुनो, और एक चीज और, हमारे अवध में कहावत कही जाता है, अवध में हमारे एक कहावत कही जाता है, यक्के पिक्चर बहुत दिन नहीं चला भैया। रत्ने जी, इसका जवाब, इसका जवाब आलोक जी से लेने तो दीजिए। आलोक जी, इसका जवाब दीजिएगा कि परिवारवाद को लेकर के आप हमेशा कांग्रेस पर तो हमला बोलते हैं, लेकिन आपके सहयोगी कितने ऐसे हैं जो सिर्फ परिवारवादी पार्टियां हैं? में कोई शक नहीं है, और ये यथार्थ है, ये सच्चाई है, ये जितने खतरा उससे निकले हुए और खतरा पे, ये सब परिवारवाद के ही लोग हैं। इनको और कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। हम कैसे अकोमोडेट हो जाए, हमारा बेटा कैसे अकोमोडेट हो जाए, हमारी बेटी कैसे अकोमोडेट हो जाए, ये इसी पर आधारित लोग हैं। चाहे वो हमारे बीजेपी के साथ हो या बीजेपी के अगेंस्ट हो, वो जहाँ भी जाएंगे अपने परिवार का कुनबाई लेके जाएंगे, चाहे उधर जाए या इधर जाए, ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी का, जो इन्होंने एक लिस्ट गिनाया है, ठीक कहा मेरे सहयोगी ने, आईएएस का बेटा को आईएएस का एग्जाम देने से कौन रोक सकता, डॉक्टर के बेटा को डॉक्टर बनने से कौन रोक सकता है, या बेटी को, तो अगर किसी ने क्वालिफाई किया है, यहाँ पर रोकेंगे। अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं लोकसभा की कार्यवाही के दौरान, एक बार तमाम दर्शकों को सुनाएंगे। क्रांति दिवस मना जाता सर, मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं सर। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे आगस्ट क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, एक राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसका आह्वान 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे सत्र द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत 8 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो अभियान के भाषण में गांधी जी के करो या मरो के आह्वान के अनुसार 9 अगस्त को हुई थी। अंग्रेजों ने 8 अगस्त को ही बड़े पैमाने पर लोगों की नजरबंदी के साथ अत्यंत तेजी के प्रतिक्रिया व्यक्त की, 1,00,000 से अधिक गिरफ्तारियां की गई, जिनमें गांधी जी सहित कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के नेता भी शामिल थे। बड़े पैमाने पर जुर्माना लगाया गया और प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक रूप से मारा पीटा गया। हिंसा में सैकड़ों नागरिक मारे गए, जिनमें से अनेक पुलिस और सेना की गोली से मारे गए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ इसलिए, इसके पहले भी मैसूर में एक भयानक नरसंहार हुआ था, जहाँ हिंदू महासभा और आरएसएस की बेहद करीबी
मैसूर के राजा की सशस्त्र सेना ने तिरंगे को सलामी देने के लिए 22 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1942 में कानपुर में हिंदू महासभा शासकों के साथ सहयोग करने की रणनीति को निम्नलिखित शब्द में रेखांकित किया गया था। हिंदू महासभा को मानना है कि समस्त व्यावहारिक राजनीति का प्रमुख सिद्धांत अंग्रेजों के साथ उत्तरदायी सहयोग की नीति है। उत्तरदायी सहयोग की नीति जो बिना शर्त सहयोग से लेकर सक्रिय और यहाँ तक कि सशस्त्र प्रतिरोध तक देशभक्ति के क्रियाकलापों के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करती है। समय की जरूरतों, हमारे निपटान में संसाधनों और हमारे राष्ट्रीय हित के निर्देशों के अनुसार खुद को अनुकूल बताती रहेगी। सर, इसके साथ साथ व्यावहारिक राजनीति में महासभा जानती है कि हमें उचित समझौता के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। इस तथ्य का प्रमाण यह है कि हाल ही में सिंध में निमंत्रण पर सिंध हिंदू महासभा ने गठबंधन सरकार चलाने के लिए मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाने की जिम्मेदारी ली थी। बंगाल के मामले तो जगजाहिर है, आक्रामक मुस्लिम लीग वाले जिन्हें कांग्रेस भी अपनी पूरी विनम्रता के बावजूद शांत नहीं कर सकी, जैसे ही सिर्फ फजलुल हॉक के प्रधानमंत्रित्व और उनके सक्षम नेतृत्व में हिंदू महासभा और गठबंधन सरकार की संपर्क में आए, काफी हद तक समझौतावादी और मिलनसार हो गए। हमारे सम्मानित महासभा नेता स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दोनों समुदायों के लाभ के लिए लगभग एक वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य लिया। बंगाल मुस्लिम लीग मिनिस्ट्री में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा